वोट डालने के बाद उंगली पर लगी इंक के साथ आपने भी अपनी फोटो जरूर खिंचवाई होंगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा होगा आई वोटेड। तो चुनाव के दौरान इस तरह की सेल्फीज का चलन काफी बढ़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर लगने वाली नीले रंग की इंक यानी स्याही बनती कहां है और इसको वोटिंग के बाद उंगली पर लगाने का इतिहास क्या है और आखिर ऐसा क्या है कि ये इंक आपकी उंगली से कई दिनों तक मिटती ही नहीं। तो ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये स्याही बनती कहां है। तो ये स्याही भारत में सिर्फ एक जगह बनती है, जी हाँ, साउथ इंडिया में स्थित मैसूर पेंट एंड वॉर्निश लिमिटेड MVPL नाम की कंपनी इस इंक को बनाती है। अमिट स्याही बनाने वाली इस कंपनी MVPL के पास कैसे आई इस इंक की डिमांड, इसकी चर्चा बस अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस स्याही की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, कब पड़ी इस नीली स्याही की जरूरत। हमारे देश में साल 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए थे। उस चुनाव में ऐसा कुछ हुआ कि कई लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर वोट डाल दिया तो कईयों ने एक से अधिक बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। अब चुनाव आयोग के पास जब इस तरह की शिकायतें आई तो इसका समाधान निकालने पर मंथन शुरू हुआ। काफी सोचा गया, विचारा गया, फिर यह तय किया गया कि क्यों ना मतदाता की उंगली पर एक ऐसा निशान बनाया जाए जिससे यह पता चल सके कि वो वोट डाल चुका है। तब किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना मतदाताओं की उंगली पर किसी इंक जैसी चीज का निशान बनाया जाए, पर इंक ऐसी होनी चाहिए जिसको जल्दी मिटाया ना जा सके। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया NPL से संपर्क किया। इसके बाद NPL ने ऐसी अमिट स्याही तैयार की जिसे ना तो पानी से और ना ही किसी केमिकल से हटाया जा सकता था। NPL ने तब यह स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट्स एंड वॉर्निश लिमिटेड को दिया। तो अब समझ आया आपको कि MVPL के पास कैसे आया इस इंक को बनाने का ऑर्डर और किसने भेजी डिमांड। तो चलिए अब इस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री यानी इतिहास भी समझ लीजिए। इनडेलिबल इंक यानी कि अमिट स्याही बनाने वाली कंपनी MVPL का इतिहास वाडियार राजवंश से जुड़ा है। ये दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में से एक है, माना जाता रहा है। 1937 में वाडियार ने पेंट और वॉर्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा गया। बाद में 1947 में जब देश को आजादी मिली तो ये फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वॉर्निश लिमिटेड रख दिया गया। क्या आप जानते हैं तब से लेकर अब तक ये भारत की अकेली ऐसी कंपनी है जो ये ब्लू इंक बनाने का काम करती है। इस इंक को बनाने की इजाजत इस कंपनी के अलावा किसी भी दूसरी कंपनी को नहीं दी गई। इस इंक की सबसे खास बात यह है कि इसके निशान 15 दिनों से पहले मिटाए नहीं जा सकते और ना ही इसको मिटाने के लिए ऐसा कोई रिमूवर या केमिकल ही बन पाया है जिसके जरिए इसको हटाया या मिटाया जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये इंक पहली बार इस्तेमाल कब हुई। 1962 में चुनाव में पहली बार इस इंक का इस्तेमाल किया गया। यस, इन 1962 द इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद द लॉ मिनिस्ट्री, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन मेड एन अग्रीमेंट विद मैसूर पेंट्स, अ कर्नाटका गवर्नमेंट एंटिटी फॉर सप्लाई ऑफ इनडेलिबल इंक फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। तब से लेकर लगातार अब तक इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इस अमिट स्याही को बनाने का फॉर्मूला अभी तक गुप्त रखा गया है? जी हाँ, इसका जो फॉर्मूला है वो अभी तक गुप्त है। ना तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और ना ही MVPL ने इसे बनाने का फॉर्मूला पब्लिक किया है। हाँ, बस इतना जरूर पता लगा है कि इस इंक को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का यूज किया जाता है। तो माना जाता है कि 7 से 25 के बीच में सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आपको बता दें ये इंक महज 40 सेकंड में सूख जाती है एंड लीव्स अ डार्क स्टेन बिहाइंड। द मार्क विल वेयर ऑफ ओनली व्हेन द ओल्ड स्किन सेल्स बिगिन टू डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। MVPL की बनी इस इनडेलिबल इंक का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं होता, दुनिया के कई सारे देश MVPL से ये अमिट स्याही खरीदते हैं और अपने चुनावों में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 देश भारतीय कंपनी MVPL से ये स्याही खरीदते हैं।
इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव्स, कंबोडिया, अफगानिस्तान, टर्की, नाइजीरिया, नेपाल, घाना, पापुआ न्यू गिनी, बुर्किना फासो, बुरुंडी, टोगो और सियेरा लियोन भी शामिल है। तो इस साल के लोकसभा इलेक्शन के लिए MVPL को ऑलरेडी सिंह के लिए डिमांड भेजी जा चुकी है। द कंपनी हैज शिप्ड अ रिकॉर्ड 2.7 मिलियन इंक बॉटल्स टू मार्क द 970 मिलियन पीपल रजिस्टर्ड टू वोट, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट यूपी की तरफ से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आए। While the tiny island territory of Lakshadweep put in the smallest order for just 110 bottles, और इलेक्शन कमीशन ने हर स्याही की बोतल की कीमत 174 रुपए रखी है। अब कंपनी एक इनविजिबल इंक लेकर आने वाली है, जी हाँ, जो आपकी स्किन पर निशान नहीं छोड़ेगी और उसको सिर्फ एम्बर लाइट यानी कि येलो लाइट में ही देखा जा सकता है। द टेक्नोलॉजी वुड टेक अ फ्यू इयर्स बिफोर इट्स रेडी फॉर यूज। तो क्या अब आपको समझ आ गया कि वोट के बाद उंगली पर स्याही क्यों लगाई जाती है, ये स्याही अमिट क्यों होती है और इस छोटी सी बोतल की कीमत कितनी है? तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके पास कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल अगर हो हमारे लिए जिसका एक्सप्लेनर आप चाहते हो, हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप हमें DM भी कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज का जवाब जरूर देंगे। जो भी आप पूछेंगे उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा, ये आपसे हमारा वादा है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।